सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूं, पिछली वीडियो में आपको दिखा था DBS बैंक का डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे करना, उस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाया। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूं, डेबिट कार्ड मैंने जैसे अप्लाई किया, डेबिट कार्ड मुझे कितने दिन के बाद मिला, कितने टाइम के बाद मिला, आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। डेबिट कार्ड मैंने अप्लाई करा था 17 जुलाई 2021 को करा था। डीबीएस का डेबिट कार्ड मेरे पास पहुँचा है 26 जुलाई 2021 को, मेरे एड्रेस पर 10:12 पर पहुँचा है। एजेंट मुझे कॉल करे, आ गए आपका डेबिट कार्ड ऑन के ले जाओ। मैंने डेबिट कार्ड मेरे पास इसका मैं आज रिव्यू दिखाऊंगा फ्रेंड्स, डेबिट कार्ड के अंदर में क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या चीज़ नहीं मिलता है, इस वीडियो में पूरा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ DBS बैंक का डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई करना, आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे इसी एड्रेस पर मैंने ये डेबिट कार्ड मंगाया था, क्योंकि ये देखिए पूरा एड्रेस यहाँ पे, एक मैं किंग कंपनी में काम करता हूँ, इसी कंपनी का एड्रेस पर मैंने ये डेबिट कार्ड मंगाया। नीचे में देखिए मेरा मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक बार कोड यहाँ पे शो करेगा, इसी पिन कोड पर मंगाया हूँ मैं, 20307 पे, इसी नई नोएडा का पिन कोड है, इसी एड्रेस पर मैं रहता हूँ, यही पिन इसी एड्रेस पर मैंने मंगाया है ये डेबिट कार्ड, ये DBS बैंक का। चलिए इसका मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, इसका पूरा फीचर देख ला, इसे डेबिट कार्ड के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है। देखिए आपको साइड में यहाँ पे ये ओपन करने का बॉक्स है, यहाँ पे इसको यहाँ से आपको फाड़ लेना। चलिए यहाँ से मैं इसको ओपन करके दिखला देता हूँ। चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया, जो इसका प्लास्टिक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे साइड में ये प्लास्टिक को यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब उसके बाद मुझे देखिए ये पेपर मिलता है, इसी के पेपर के अंदर में ये DBS बैंक का ये डेबिट कार्ड आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ये पूरा एड्रेस आपको लिखा रहेगा, बार कोड यहाँ पर लिखा रहेगा, ये यहाँ पर ये 19 जुलाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए इसको मैं इसको यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, डेबिट कार्ड देख लेता हूँ किस तरह का यह डेबिट कार्ड DBS बैंक का रहता है। अब देखेंगे तो इस तरह का पेज आपके पास यहाँ से खुल कर यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताया जाता है, किस तरह से आपको मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे एक्टिवेट करना, कैसे क्या क्या करना है, वो प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलता है। अब चलिए मैं डेबिट कार्ड को यहाँ से देख लेता हूँ। देखिए इस तरह का ये DBS बैंक का ये डेबिट कार्ड रहता है। अभी मैं प्लास्टिक से नहीं छोड़ा है, इसी में चिपका हुआ है, क्योंकि ये इसमें लस्सा लगा रहता है बैक साइड, इसको छुड़ाने में कुछ समय लगता है। चलिए मैं इसको यहाँ पर देखिए, और साइड में देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे कस्टमर आई डी आपको जब लिखी रहती है, यहाँ पे कस्टमर आई डी यहाँ पे, अब यहाँ पे डीजी बैंक का यहाँ पे IFSC कोड मिल जाएगा, फर्स्ट में अकाउंट नंबर मिल जाएगा, ये बार कोड का स्कैन करके अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये सारा कुछ। चलिए मैं डेबिट कार्ड को यहाँ पे छुड़ा कर दिखला देता हूँ आपको। अब जो उसका पेपर है, चलिए पेपर को मैं यहाँ से साइड में रख देता हूँ, डेबिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये डेबिट कार्ड का देखेंगे तो ये लुक कुछ ही हाइट कलर का यहाँ पर लग रहा है, कुछ ही HD क्वालिटी का ये डेबिट कार्ड यहाँ पे लगता है, ये पीला कलर में डेबिट कार्ड मिलता है। और बैक साइड देखें तो यहाँ पे ये CCV नंबर यहाँ पे शो करेगा, ये बैक साइड में कुछ यहाँ पे देखिए पूरा बैंक का नाम है DG बैंक, क्योंकि DBS बैंक का पूरा फुल फॉर्म होता है DG बैंक, ये पूरा बैंक का यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको CCV नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट साइड में आपको यहाँ पे DG बैंक, यहाँ पे DG बैंक बाय DBS बैंक का आपको लोगो मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे ATM कार्ड आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे में कस्टमर का नाम शो करेगा, जिस कस्टमर के नाम से ये ATM कार्ड है, और यहाँ पे आपको डेट मंथ एक्सपायरी आपको मिल जाएगा। ये देखिए वीज़ा डेबिट कार्ड है, ये वाईफाई यहाँ पे कनेक्शन भी इसमें दिया रहता है। इस तरह का ये आपको शॉपिंग करने में बहुत ही आपको ये ATM कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारा आप अनलिमिटेड ये कैश निकाल सकते हैं इससे जाकर। अब ये डेबिट कार्ड को आप अपने फ़ोन पे में ऐड करके फ़ोन पे में आप यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कहीं पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, ये सारा चीज़ इससे आप कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड में आपको यहाँ पे देखिए चिप्स के चिप्स मिल जाएगा, चिप्स अगर चिप्स का निकाल लेंगे तो ये डेबिट कार्ड का काम नहीं करेगा, चिप्स रहेगा तभी डेबिट कार्ड का काम करेगा। यहाँ पर देखिए शॉपिंग का लोग ऐसे शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से, ये वीज़ा आपका डेबिट कार्ड बहुत हाई क्वालिटी है डेबिट कार्ड, जिसमें वाईफाई कनेक्शन भी इसमें किया रहता है। उसके बैक साइड देख लेते हैं कि बैक साइड कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको डेबिट कार्ड में मिल जाता है। अब चलिए पेपर साइड में, ये पेपर में आप देख लीजिए किस कैसे कैसे आपको ये मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना, कैसे कार्ड को एक्टिवेट करना, ये सारी चीज़ आपको ये पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस पेपर को आपको सही से पढ़ लेना है, कैसे आपको एक्टिवेट करना है, ये सारी चीज़ इसमें फीचर आपको लिखी रहे। अगर इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में इसका कस्टमर आईडी कोड नंबर रहता है, IFSC कोड, ये सारी चीज़ आपको फ्रंट में यहाँ पे मिल जाती है। ये यहाँ पे डेबिट कार्ड चिपका हुआ, देखिए ये लस्सा लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरह आपको यहाँ पे ये पूरा एड्रेस आपको मिलेगा। इस तरह से अपने DBS बैंक को डेबिट कार्ड अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में DBS बैंक का अनबॉक्सिंग करके दिखाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मैंने कन्फ्यूजन कमेंट कर नीचे पूछ सकते हैं।